गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एग्जाम्पल सीखे थे, टोटल 5 एग्जाम्पल थे, वैसे सिंपल और पर कुछ 10.2 से डिफरेंट। ओके, तो अच्छे से बेटा वो सॉरी एग्जाम्पल इक्वेशन अच्छे से रिमेंबर करने हैं। ओके, क्योंकि उस इक्वेशन अच्छे से रिमेंबर करने के बाद ही 10.3 आपको थोड़ा क्लियर लगेगा। दूसरी चीज, 10.3 में सम नंबर 1, उसके अंदर सब टॉपिक में 3 और सम थे, तीनों के तीनों कंप्लीट किए और इक्वेशन की पैटर्न 1 वो भी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म खत्म हो गई। तो नंबर 2 से आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल डिटो कॉपी सम नंबर 1 इज इक्वल टू 2, कुछ वर्ड्स में चेंज। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, ऊपर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नीचे इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ओके, एक्सिस के ऊपर उसके इंटरसेप्ट ढूंढने हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 3x प्लस 2y। एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा है डेमो के लिए लिख दूं, x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो उसमें नंबर 1 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट ऑपोजिट साइड होना चाहिए वेरिएबल से। तो अगर वेरिएबल इधर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स डिवाइड विथ 12 बोथ साइड इज इक्वल टू, मेरे को 1 चाहिए, दैट मीन्स 3x डिवाइड बाय 12, 2y डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1। तो x बाय 4 y by 6 is equal to 1, this is the standard equation। okay, तो denominator of x is equal to x intercept, denominator of y is equal to y intercept, that means x intercept is equal to 4, y intercept is equal to 6, this is the final answer। easy sum। okay, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ऐसा। सेम पैटर्न सम नंबर 2। क्वेश्चन इज दैट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 6 बिल्कुल रेडी पोजीशन में, जस्ट कन्वर्ट इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म, सो डिवाइड 6 बोथ साइड। तो 4x डिवाइड बाय 6 माइनस 3y डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो 2 जा 3, 3 जा 2, that means 2x by 3 minus y by 2 is equal to 1। But according to the standard equation, compulsory plus होना चाहिए, minus ना चले। तो क्या करेंगे, x के नीचे पहले तो 3 by 2, minus का plus कर दे तो y के नीचे, मतलब कि minus 2 अपने intercept में ले लो, पर question में बीच में plus रखो इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्लियर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3/2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स एंड वाई दोनों मिल गए। नंबर 3, 3x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पहले कॉन्स्टेंट सामने, 3y इज इक्वल टू माइनस 2, x वाला टर्म नहीं है फिर भी चाहिए तो 0x लिख दो, 0x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। सबको माइनस 2 से डिवाइड करो तो 0x डिवाइड बाय माइनस 2, 3y डिवाइड बाय माइनस 2 और माइनस 2 बाय माइनस 2 तो 1। चलो अकेला x रखो तो नीचे माइनस 2 बाय 0, y रखो तो माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा x इंटरसेप्ट माइनस 2 बाई 0 नॉट पॉसिबल, किसी का 0 नॉट डिफाइन। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नो, नहीं मिलेगा आपको, बट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, y इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। चलो तीनों के तीनों सम खत्म, बिल्कुल इजी पैटर्न थे और समझ में आ जाए ऐसा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगेन कुछ चेंज, हमारा इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ भी आ गया, अब नंबर 3 का यूज़ आने वाला है।
रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म हमारा होगा कैसा, तो ऐसा x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. ओके फ्रॉम दी, अब हमें ढूंढना क्या है, तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन दैट मीन्स p एंड एंगल बिटवीन दी पॉजिटिव एक्सिस दैट मीन्स ओमेगा. तो इसके अंदर से हमको एक तो p ढूंढना है और दूसरा ओमेगा ढूंढना है. तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा पहले दो से. तो x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन p सामने चाहिए, तो पहले कॉन्स्टेंट सामने जाने दो. तो x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री. अनदर थिंग, p कभी माइनस नहीं होगा, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस थी, तो उसको प्लस करने के लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो. तो माइनस एक्स, समझ रहे हो ना, कॉन्स्टेंट को प्रायोरिटी देनी है, तो ये प्लस हो गया. बट ये सीधा रेडीमेड नहीं है कि भी x का कोई फंक्शन सीधा cos ओमेगा. यहाँ पे cos ओमेगा के लिए मैंने आपको इक्वेशन सिखाया था प्लस और माइनस a, ये दैट मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट माइनस वन, और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो. ऊपर एक्स के पास ए पड़ा है, वाई के पास बी पड़ा है, और कॉन्स्टेंट के पास सी पड़ा है. पर नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने के बाद आपको कॉस ओमेगा साइन ओमेगा एंड पी मिलेगा. तो किससे डिवाइड करना है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ए हमारा माइनस वन, बी हमारा रूट थ्री. ओके चलो, तो a और b मिल गया, तो अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से सबको डिवाइड करना. तो माइनस वन का स्क्वायर वन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो थ्री प्लस वन फोर, दैट मीन्स टू. चलो सबको टू से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू एक्स, फिर रूट थ्री है, तो रूट थ्री बाई टू वाई इज इक्वल टू एट बाय टू. चलो सबको टू से डिवाइड किया, अब ये परफेक्ट फॉर्म में बन गया है कि भाई एक्स के पास जो पड़ा है वो कॉस है, वाई के पास जो पड़ा है वो साइन ओमेगा है, और सामने पड़ा है वो पी है. ओके एक बार और लिख दे, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू वाई इज इक्वल टू फोर. ओके तो हो गया हमारे पास पहला कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. ओके फिर साइन ओमेगा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू. ओके एंड पी इज इक्वल टू तो फोर, तो वो तो आंसर आ गया पी. पर ओमेगा ढूंढने के लिए दो को चेक करना पड़ेगा बेटा, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा, वही पुरानी ट्रिगोनोमेट्रिक की मेथड. तो कॉस माइनस एंड साइन प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड. एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, कॉस माइनस और साइन, पहले में दोनों प्लस, दूसरे में साइन प्लस कॉस माइनस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में कॉस प्लस साइन माइनस. तो वैसे माइनस प्लस भूल जाओ, कॉस की वैल्यू वन बाई टू एंड साइन की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कहाँ पर है, कॉस की वैल्यू वन बाई टू, साइन की रूट थ्री, 60 डिग्री पे. ओके तो कितना होगा 60 डिग्री, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एंगल, चलो डिग्री में लिख दिए, तो 60 डिग्री आया. बट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पाई बाई टू पाई, 180. सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो 180 माइनस एंगल करना पड़ेगा ना, तो 180 माइनस ये 60 करो, तब जाके फाइनली 120. ये 60 टेम्पररी था, दोनों की वैल्यू कॉमन 60 पे होती है, पर ओरिजिनल एंगल कब मिलेगा, जब क्वाड्रेंट में से प्लस माइनस करो तभी ओरिजिनल मिलेगा. तो ओमेगा 120 फाइनल आंसर एंड पी 4 फाइनल आंसर. क्लियर, थोड़ा ऐसे ही सम करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा और पता भी चलने लगेगा. जैसे नंबर टू, तो नंबर टू में दिया है देखो y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, थोड़ा छोटा कर दिया है. ओके तो नंबर टू थोड़ी देर के बाद लेते हैं, पहले थ्री ले लेते हैं क्योंकि थ्री में थोड़ा फुल एक्सप्लेनेशन है. x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर. इससे थोड़ा बेटर ये कि ऑलरेडी p सामने है, दूसरी चीज वो पॉजिटिव है तो टेंशन है नहीं. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x का कोएफिशिएंट a क्या, वन, b इज इक्वल टू क्या, माइनस वन. तो अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर, तो वन माइनस वन का स्क्वायर भी वन, दैट मीन्स रूट टू. क्लियर, चलो तब रूट टू से सभी को डिवाइड करो, तो दैट मीन्स x के पास वन है तो वन बाय रूट टू एक्स, वाई के पास भी वन है तो वन बाय रूट टू वाई, और फोर को भी रूट टू से डिवाइड करना पड़ेगा. ये हमारा कॉस, ये हमारा साइन,
और ये कांस्टेंट, पर कांस्टेंट को थोड़ा सजा दें तो 1/√2x, 1/√2y, चलो 4 है तो 2 जा 2, तो ऊपर हो जाएगा 2√2। ओके चलो नाउ cos ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2, साइन ओमेगा इज इक्वल टू -1/√2 एंड p इज इक्वल टू 2√2, तो p की मैटर तो क्लोज। cos प्लस साइन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और टेम्पररी एंगल क्या? तो cos की भी 1/√2, साइन की भी 1/√2, तो 45 डिग्री पे। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या है हमारे पास? फोर्थ 0π/2, मतलब के 90, 80, 270 एंड 360। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है तो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 360 में से -45 करो, या 270 + 45 करो। चलो तो 360 - 45 तो कितना बचेगा हमारे पास? 360 - 40 दैट मीन्स 320, तो टोटल ऑल ओवर आंसर आएगा 315। क्या आएगा? 315 डिग्री। कंप्लीट? ओके अगेन हमें बेटा क्वाड्रेंट डिसाइड पहले करना है कि कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, टेम्पररी एंगल दोनों की कॉमन वैल्यू कहाँ पे है, फिर अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन तो 270 + 45 करते तो भी 315 ही आता, बोथ आर सेम। लास्ट नंबर 2, 3 सम थे उसमें से 2 कर दिए, पर तीसरा थोड़ा बैलेंस का, 2 में एक चीज़ कम है, वैसे शॉर्टकट है और छोटा सम है, y-2 = 0 ऐसा दिया है। चलो कांस्टेंट तो पहले सामने चाहिए तो y = 2, x है नहीं तो ले लो 0x + y = 2 आपको समझने के लिए। तो x के पास तो कुछ नहीं है तो मेरा a क्या हुआ? 0, b क्या हुआ? 1, तो अंडर रूट में a² + b² तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल आंसर 1। तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी डालते हैं 0/1x, 1/1y एंड 2/1 0/1 तो खुद 0, ओके तो 0x ही रहेगा, ये 1y ही रहेगा और ये 2 रहेगा। तो हमारा cos ओमेगा क्या? 0, sin ओमेगा क्या मिलेगा? 1 एंड p इज इक्वल टू 2, तो p का तो आंसर आ गया, p तो पहले स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, सीधी एंगल की बात होगी। क्यों? क्योंकि cos 0 एंड sin 1 अकॉर्डिंग टू दी एक्सिस, हमारे एक्सिस पर है। अगर बेटा एक्स एक्सिस होता और 0 डिग्री रहता तो वहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती और sin की वैल्यू क्या होती? 0। पर यहाँ पे उल्टा है, cos की वैल्यू 0 और sin की 1 कहाँ पे? तो π/2 पे। तो ओमेगा डायरेक्टली मिल गया 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस के ऊपर होता है तब कोई क्वाड्रेंट की डिस्कशन होती नहीं है। क्लियर? ये डायरेक्ट आंसर है, साइन की वैल्यू 190 डिग्री पे और वहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी बोलो, समझ में आ गया? टोटली हमने 6 सम कवर किए, सम नंबर 2 के 3 थे। ओके वो किस फॉर्म में थे? इंटरसेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला x/a + y/b = 1, कॉन्स्टेंट सामने लेने जाना था, उससे सभी को डिवाइड करके फिर x के डिनोमिनेटर में जो मिले वो x इंटरसेप्ट, y के डिनोमिनेटर में मिले वो y। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 0x लेके थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। सेम थिंग नंबर 3 में। ओके तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दैट cos ओमेगा प्लस साइन y x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ओके कॉन्स्टेंट को ऑलवेज राइट साइड रखना है। ओके देन आफ्टर सबको अंडर रूट में a² + b² से डिवाइड किया तो x का जो कोएफिशिएंट आया वो cos, y का जो कोएफिशिएंट आया वो साइन, जो कांस्टेंट सामने मिला वो p तो रेडी। ये दोनों के हिसाब से पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, दोनों की वैल्यू सेम, प्लस माइनस भूल जाओ, एक ही एंगल पे सेम होगी, दैट मीन्स 60 पे सेम है, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 180 - 60 करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे सम नंबर 1, 3, 2 तीनों करवाए हैं, कोई होमवर्क में नहीं दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सम नंबर 4 से तो फिर कॉमन चीज स्टार्ट हो जाएगी। ओके और 3 इक्वेशन का अच्छे से यूटिलाइज भी हो गया। अब 4, 5, 0.2 लाइन का डिस्टेंस वाला इक्वेशन यूज बाकी है और 2 पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का बाकी है, वो भी ये कॉमन
एग्जाम्पल है उसके अंदर आ जाएगा, पर यहाँ तक आपको अच्छे से रेडी करना है इक्वेशन देखने के बाद, ओके, तभी आपको थोड़ा सही रहेगा और मज़ा भी आएगा एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना, थैंक यू।